नमस्कार। आप सभी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा लगाने के लिए पिछले सरकार के साथ में 1.5 साल हमने संघर्ष किया। सभी प्रकार के डिपार्टमेंटल परमिशन होने के बावजूद भी सरकार ने इजाजत नहीं दी। भारत रत्न के साथ में खिलवाड़ करने का काम जिस सरकार ने किया, वो सरकार का क्या हाल हुआ वो भी हम सब लोग देख रहे हैं। अब हमें देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने परमिशन दे दी है। कल हम प्रतिमा का स्थापना करने वाले वहां पर 2 बजे दहिसर से चेक नाका से निकलकर कांदिवली जहां पर प्रतिमा लगने वाले वहां पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलाकर प्रतिमा का स्थापना करेंगे हम। और 16 तारीख को अटल जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि का कार्यक्रम भी 16 तारीख को 9 बजे हम करेंगे। मंगल प्रभात जी, देवेंद्र जी भी शायद आएंगे। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, नगरजनों से अपील करता हूं, ये कार्यक्रम में आप शामिल हो जाइए। साथ साथ में 14 तारीख को सुबह हमारे विधायक योगेश सागर जी ने मलाड से स्वामी विवेकानंद जी का पुतला दहिसर एक लॉन्ग मार्च बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, मैं मानता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं होगा। 50 तो घोड़े उसमें चलने वाले हैं तिरंगा को लेकर और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम 14 तारीख को योगेश सागर जी का कार्यक्रम, 15 का तारीख का तिरंगा घर घर, देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को जागरूक किया है। हम सबके जीवन में यह क्षण फिर आने वाला नहीं है। शताब्दी महोत्सव जब मनेगा तब हमारे बच्चे शायद उसमें शामिल होंगे, तो ये हमारे जीवन का बहुत सुनहरा अवसर है। ये सभी कार्यक्रमों में हम सब लोगों ने शामिल होकर राष्ट्रभक्ति का परिचय देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आइए आप सब लोग ये तीनों कार्यक्रम में जुड़कर, उत्तर मुंबई को तो हम चार्ज करेंगे ही, लेकिन सारे सोशल मीडिया के माध्यम से मुंबई महाराष्ट्र भी चार्ज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर एक बार आप सबको स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।